माता जी कहीं ना कहीं देखोगे तो आप ये देखोगे कि मुक्ति के योग नहीं बने। शादी का जब समय आ जाता है तब होता ही होता है, ये योग होते हैं किसी के हाथ के लिखते हुए नहीं होते। इसके लिए एक जन्मपत्री होती है, उस जन्मपत्री में योग नहीं होता। दो चीज होती है अब बच्चे का, या तो विलंब विवाह योग होता है या विवाह बंद योग। ध्यान से सुन ले बहन जी, या तो विलंब विवाह योग होता है या विवाह भंग योग होता है। अगर आपने विवाह कर दिया तो विवाह भंग होगा, टूटेगा। और विलंब विवाह योग है, विलंब से विवाह करोगे तो दोनों ही लाभ होंगे, फिर विवाह टूटेगा नहीं। योग दोनों का एक ही बनता है, या तो विलंब से होगा या विवाह भंग होगा। अगर विलंब से नहीं किया तो विवाह भंग हो गई। अब विवाह विलंब से हो गया, विलंब हो गया तो फिर विवाह भंग नहीं होगा। इसका भी लाभ है, इसका भी लाभ है, तभी तो बता रहा हूँ ना, इसका भी लाभ ये बता रहा हूँ ना। माँ बाप को चिंता होती है बच्चों, उनको सारी चिंता ईश्वर पे छोड़ देनी है। जब देवता की शरण ले लेते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी शरणागति का हमें लाभ है। एक बार बढ़ेगा घटेगा नहीं। एक बार में ठीक नहीं होगी, अभी आई है 8 बार, चल चेक करा लिया ना अंदर बस, फिर ये कहने से बाबा मैं परेशान हूँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी 5 दिन की दवाई देता है कि नहीं देता है? अरे तो ठीक भी हो जाएगी। हाँ शरीर में दर्द ढूंढ है वो रात में टच करता है, चला जाएगा वो भी घिस जाएगा। तेरे को तो कहीं दर्द नहीं रहता? अभी होने लग गया था सिर में, एक बार मारिए पैर जमीन पे, घबराहट है। चलो एक बार आँख में देख के मान लीजिए। चले जाओ भाई, मैं ही चला जाऊंगा जब जाओगे। तुम्हें कितना प्रेम होगा, मैं देखूंगा दूसरे वाले आश्रम में तुम मेरे साथ रात के 12 बजे तक बैठते हो, पूरी रात ही दरबार चलाया करो। मैं दिन में जाऊँगा, दिन में सोऊंगा रात को। योगी लोग जैसे रात को जागते हैं ना ऐसे। हाँ नहीं, रात को रुकने का आनंद आएगा। 10-15 दिन में चले जाएंगे, मुझे नज़दीक पड़ेगा, SCT हॉस्पिटल के पीछे वाले रोड पे। इतने दूर यहाँ हो गया भाई, बस हो गया, वहाँ देख के मांग ले। मेरा कुछ होगा ठीक हो जाएगा, मेरा नहीं होगा कहाँ से ठीक। मैं तो प्रेत और पितर निकालने वाला हूँ, सारी बीमारियां मैं नहीं निकाल पाया।
अभी कहाँ दर्द है? अभी ये करया अभी इतनी प्रार्थना की, दर्द बढ़ा की घटा? नहीं वैसे तो घटा, पर घर जाके बहुत दिक्कत होती है जी। अभी इसका मतलब दोष है ना शरीर में? हाँ जी, शरीर भी क्या बताया था? पितर और प्रेत दोनों बताए थे कि प्रेत बताया था? प्रेत भी बताया था जी, पितर भी बताया था। पहले प्रेत कटा होगा, उसके बाद पितर आएंगे। पितर आते हैं जब दर्द करते हैं, भारी मात्रा में दर्द करते हैं। अभी आते रहोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, पर तेरे बच्चे आगे संभल जाएंगे, तेरे कुल की लाज बची रहेगी, वरना तो ये नुकसान करेंगे, आगे बच्चों पर आ जाएंगे। ठीक है, पैर मार जमीन पे 3 बार हो गया भाई आपका? मारना पैर। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। गर्दन घुमा, अब देख दर्द का है। मालिक वैसे जीवन बहुत तेजी से चल रहा है, वो वीडियो सीखते हैं जरूर। हाँ वैसे इसकी रफ्तार ना, वो तो वो करता है, एडिट करता है पूरी पूरी। कौन? रोहित। रोहित तो एडिट करता है ना, उसके पास तो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होता है।